यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में आटे का कहत पड़ गया। 10 रोज से आटे की सप्लाई बंद। यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट का आटा मुफ्त आटा पॉइंट्स पर दिया जा रहा है। दुकानदारों का इल्जाम, जो आवाम मुफ्त आटे की कैटेगरी में नहीं आती वो आटा कहां से ले, सार्फिन परेशान। फलों की कीमतों को आग लग गई। शहर की मार्केट्स में फल 3 गुना महंगे। शहरी परेशान, चाट खाना छोड़ दी। अंगूर 1200 रुपए किलो तक फरोख। सेब 450 रुपए किलो, केला 450 रुपए फी दर्जन तक बिकने लगा। अमरूद 250, खजूर 550, पपीता 300 रुपए किलो में फरोख। इंतजामिया एक्शन लेने में नाकाम। मुर्गी के गोश्त में 3 रुपए की मामूली कमी। कीमत 516 रुपए किलो मुकर्रर। जिंदा मुर्गी का परचून रेट 344 रुपए किलो। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 259 रुपए फी दर्जन बरकरार। डॉलर कई रोज महंगा होने के बाद आज सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 1.35 रुपए सस्ता। डॉलर की 286.50 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 287.85 रुपए पर बंद हुआ था। मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में तोसी। कंसल्टेंट की खिदमात के लिए टेंडर जारी करने का हुक्म। एलडीए मास्टर प्लान में खुद मुख्तार कंसल्टेंट नजरे सानी पर आमादा। हाई कोर्ट की 2016 के मास्टर प्लान के मुताबिक काम जारी रखने की इजाजत। पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी। मुतलिका महकमों के जामिया एक्शन प्लान भी मंजूर। हुकूमत आलमी बैंक के तआवुन से पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी और एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब प्लास्टिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की भी मंजूरी दी गई। समोसे और रोल खाने वाले होशियार, खबरदार। अजीज भट्टी टाउन के एक प्रोडक्शन यूनिट पर फूड अथॉरिटी का छापा। प्रोडक्शन एरिया में कीड़े मकोड़ों और बिलियों चूहों की मौजूदगी पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। आईजी पंजाब ने 23 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। मोहम्मद इकबाल नजम डीएसपी लीगल इन्वेस्टिगेशन 3 लाहौर तायुनात। अंबर जहान डीएसपी लीगल सर्विस मीटर्स। जावेद इकबाल डीएसपी लीगल स्पेशल ब्रांच लाहौर मुकर्रर। मोहम्मद सबतैन को डीएसपी लीगल ऑपरेशंस 1 और कलीमुल्ला को डीएसपी लीगल स्पेशल ब्रांच लाहौर तायुनात कर दिया गया। रायवंड पुलिस पर हमले का इल्जाम। शब्बीर गुजर और दीगर मुलजिम अदालत पेश। अदालत ने मुलजिमान की बुरी जमानत में 26 अप्रैल तक तोसी कर दी। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने फरीकैन के वकला आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिए। दीगर रहनुमा बिलाल यासीन कातिलाना हमला केस। मुलजिम हसीब विकी और मियां हामिद समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट में अपील की समाअत कब तक शुरू होगी। वकील बोले नया बेंच बनने का इंतजार है। समाअत मौखर करने की इस्तदा। लाहौर तालीमी बोर्ड इम्तिहानी सेंटर्स में सवालिया पर्चों की सीक्रेसी रखने में नाकाम। पेपर शुरू होने के 10 मिनट बाद ही सवालिया पेपर व्हाट्सएप पर आने लगे। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल के खदशात बढ़ गए। इम्तिहानी सेंटर्स की मॉनिटरिंग के दावे भी भरे रह गए। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने मुलाजमीन को ईद बोनस दे दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन को 1.5 माह की तनख्वाह दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। माली खबर में मुलविस मुलाजमीन बोनस के अहल नहीं होंगे, नोटिफिकेशन जारी। शहरियों की सहूलत के लिए पहचान ऐप मजीद अपडेट। 1 लाख से जायद शहरी पहचान ऐप डाउनलोड कर चुके। ऐप में मौजूद क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के लिए मुतल्लिका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना जरूरी। और सूरज अपना गुस्सा दिखाने लगा। तेज धूप की किरणें चुभने लगी। दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। फिजाई आलूगी के एतबार से लाहौर फिर पहले नंबर पर। मजमू शरा 175 रिकॉर्ड की गई।